माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें सर्व सुविधा युक्त पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है एक निश्चिंतता होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अब तक 24 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वयं का आवास प्राप्त हो चुका है, जिनमें बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों के 25,000 परिवार भी शामिल है। पहले तो कच्चा था मकान, तो दिक्कत आती बच्चों के लिए पालने में भी, पानी इधर टपक रिया उधर टपक रिया, परेशानी उठानी पड़ती थी। अब हमें सरकार ने मदद दी तो पक्का मकान बन गया, इसलिए हमने जो पैसे अपने जोड़े तो हमने दुकान खुलवा ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रोजगार सृजन भी हो रहा है। प्रदेश में 9,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। मकान बनाने में लगने वाली सामग्री के उत्पादन और उपलब्धता के लिए प्रदेश के 9 जिलों में 33 स्व सहायता समूहों को रोजगार देकर सशक्त किया गया है। इन समूहों की महिलाएं 50 से 60 हजार फ्लाई ऐश ईटे प्रतिदिन बना रही हैं। अब योजना के लाभार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ उन्हें स्वच्छ वातावरण वाला स्वयं का घर तो मिल ही रहा है, उनका जीवन स्तर और सामाजिक सम्मान भी बढ़ रहा है। सगाई शादी के लिए भी लोग बाग आते ही नहीं थे, मना ही करते थे पक्का मकान बनने के बाद में। अभी 2 महीना पहले लड़के का भी रिश्ता आ गया, वो लड़की का भी। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना छत के नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सुख, स्वच्छता, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान दे रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्य प्रदेश के लाखों घरों में खुशहाली का दीपक जला रही है।